नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि हमारे घर की अर्थिंग को हम कैसे चेक करते हैं। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके घर की अर्थिंग सही है या नहीं है? तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास में एक कंप्लीट स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में एक 2 पिन सॉकेट है और एक 3 पिन सॉकेट है। तो जो 3 पिन सॉकेट है, इसमें ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, मोटा पॉइंट रहता है, ये अर्थिंग का पॉइंट होता है। और 2 पिन सॉकेट में हम अर्थिंग का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको अलग से पॉइंट नहीं दिया हुआ, दो ही पॉइंट है, तो एक फेस का और एक न्यूट्रल का। तो दोस्तों, अर्थिंग को चेक करने के लिए 2 मेथड होती है। पहला क्या होता है कि एक आप इनकंडेंसी लैंप ऐसे बना लें, होल्डर के साथ में उसको लगा लें और उसमें फेज और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लें। और दूसरा मेथड ये है कि मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके पास एक टेस्टर तो होगा ही, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसमें हमारा कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, सबसे पहले आप अपना स्विच को ऑन करिए। स्विच ऑन करने के बाद इसको पॉइंट पर लगाइए। यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये न्यूट्रल का पॉइंट है। और इस पर लगाएंगे अभी, ये देखिए, ये टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब ये हमारा इस पॉइंट पे फेज आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि आपस में इंटरनली ये दोनों अंदर से शॉर्ट रहते हैं और ये दोनों शॉर्ट रहते हैं, तो इन दोनों पॉइंट में हमको फेज मिलेगा और इन दोनों पॉइंट पर न्यूट्रल मिलेगा। और ये जो पॉइंट आप ऊपर का ये देख रहे हैं, मोटा वाला पॉइंट, ये होता है अर्थिंग का। दोस्तों, सबसे पहले हम बल्ब के माध्यम से चेक करेंगे। तो बल्ब से कैसे चेक करेंगे कि बल्ब के ये जो दोनों वायर हैं, इनको सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट किया और देखा कि हमारा बल्ब जो है जल चुका है। और दोस्तों, इस समय हमको ध्यान ये देना है कि हमारा जो बल्ब है वो कितनी रोशनी दे रहा है, कितनी रोशनी दे रहा है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो आपका न्यूट्रल वाला पॉइंट था, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट को आपको निकाल करके इसको अर्थिंग में कनेक्ट करना है। ये अर्थिंग में हमने कनेक्ट किया और हमने ये पाया कि हमारा जो बल्ब है वो सेम ब्राइटनेस पे जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर की अर्थिंग है वो एकदम सही है। दोस्तों, अगर ये बल्ब धीमा जलता है या नहीं जलता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो घर की अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं है, वीक हो चुकी है या खराब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मल्टीमीटर से चेक करने का, तो मैं उसको भी आपको बताता हूं। दोस्तों, हमारे पास ये मल्टीमीटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का हमको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करेंगे हम, एसी वोल्टेज में करेंगे। ये हमने एसी वोल्टेज में कर लिया, क्यों? क्योंकि जो हमारे घर में पावर सप्लाई आती है वो एसी आती है। एसी वोल्टेज पे हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम इस सॉकेट में वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, एक पिन को हमको क्या करना है, एक पिन को अपने फेज में कनेक्ट करना है, दूसरे को न्यूट्रल में कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मल्टीमीटर में 246 वोल्ट दिखा रहा है। अभी क्या करना है आपको, ये दोनों आपको न्यूट्रल वाले पॉइंट को निकालना है और अर्थिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है और फिर से वोल्टेज को मेज़र करना है। आपको लगभग सेम वोल्टेज मिल रहा है, एक वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, एक दो वोल्टेज का डिफरेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग सेम वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो घर की अर्थिंग है वो बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है और अर्थिंग में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 246 की जगह पर आपको कितना वोल्ट मिलता है, 150 वोल्ट मिलता है, 200 वोल्टेज मिलता है या 200 से कम वोल्टेज मिलता है, 180 वोल्ट मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्थिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अभी हम अर्थिंग को एक और तरीके से चेक करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग होता है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हमको हमेशा 2 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे न्यूट्रल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमारे अर्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल करके कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो हमने अपनी जो पहला पॉइंट है इसको लगाया न्यूट्रल पे और दूसरा जो पॉइंट है इसको लगाया अर्थिंग पे, और हमने ये पाया कि 1.3
1.3 1.4 लगभग वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट से कम है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थिंग है वो एकदम स्ट्रांग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यदि आपको न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है तो सबसे पहले तो अपने घर की आप अर्थिंग चेक करवा लीजिए। दूसरा, हो सकता है कि न्यूट्रल में भी कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा लोड बढ़ने की वजह से लीकेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, तो आपको न्यूट्रल भी चेक करवाना रहेगा। तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा कि हम हमारे घर की अर्थिंग को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए 2 तरीके अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।